दिमाग खराब हो गया आपका? हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अपनी मर्जी की करें। अब वो बच्चा लल्ला का नहीं है ये पता चल चुका है ना, फिर क्यों आप उसे घर लेकर आई? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली? अरे अरे अम्मा, आप बिना मतलब इमोशनल हो रही हैं। अरे हम बस नवीन को और साक्षी को ये समझाना चाहते हैं कि जिम्मेदारी और काम साथ में किया जा सकता है, संभाला जा सकता है। ये मानती है ना आप खुद भी? हाँ, तो फिर आप क्यों नहीं लेकर आती अपना खुद का छोटा लल्ला घर? हाँ देखिए पुष्पा जी, वो हमारा पर्सनल मैटर है, वो हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये केस है, हम इसको केस की तरह सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आप हमारी बात नहीं माने? अरे ये चीकू की मैया जाते हैं। ये बहुत गलत किया है आपने करिश्मा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ये ममता का शहद है, बहुत गहरा होता है इसका स्वाद, एक बार अगर मुंह लग जाए ना तो जल्दी नहीं छूटता, नहीं जी पाएगी आप उसके बिना। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? चीकू दूर 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 रह के, ठीक है? चलो सब काम करो, क्या कर रहे हैं सब? चलो चाय 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 केल जड़म बदनाम भी स्पेशल चाय। रुको। अरे नहीं मैडम, अरे मैडम नहीं मैडम, नहीं नहीं अभी सो जा, अभी बहुत देर हो गई, सो जा सो जा सो जा सो जा। इधर तो ट्रैफिक लगा हुआ है मैडम। हाँ रुको, हम जाते हैं। लाओ बच्चे को दे दो। नहीं नहीं संभाल ले। चलो भैया ट्रैफिक हटाते हैं जाके। हाँ आज उनको बताते हैं सब कुछ जाके। आज क्या, एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप लोग? हटाई, अरे मदद कीजिए ना कोई, इनका मदद कीजिए। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? मदद करो, फोन मार रहे हैं बस, मदद कोई नहीं करेगा। उस तरफ जाइए, उस तरफ। करिश्मा मैम बस एक सवाल, आप ड्यूटी के साथ साथ एक बच्चे की परवरिश भी कर रही हैं, कितना मुश्किल है ये आपके लिए? और आपको नहीं लगता कि इससे आपकी ड्यूटी की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम का सम्मान करते हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी उसके आड़े नहीं आती है, सब हो जाता है, सब निप जाता है। वाह क्या बात है, चटक चलनी। मैम फिर भी ड्यूटी और एक बच्चे की परवरिश करना इतना भी आसान नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर लिया था बच्चे के साथ, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? कहाँ, सब हो जाता है भैया, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। मैम ये बच्चा आपका ही है? नहीं हमारा बच्चा नहीं है, मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे वही माँ होती है। जो बच्चे की परवरिश करे उसको भी माँ ही कहते हैं। जिसने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया, उसको माँ कहते हैं, माँ की जिम्मेदारी को माँ कहते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चे को जन्म देना वो दर्द माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, पर हमें लगता है वो दर्द का रिश्ता तो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता है ना बच्चे से। तभी तो कहते हैं कि बच्चे को चोट लग गई तो सबसे पहले माँ को दर्द होता है, उसकी संस्कारियाँ निकलती है। तो कुछ ऐसा ही है, और आप बस हमें इसकी माँ समझ लीजिए। क्या बात है, पाकिस्तानी एक नंबर। ये है हमारी बहू रानी। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं माँ तो बन गई पर सही मायने में माँ का मतलब आज समझी हूँ, और वो मतलब आपने मुझे समझाया है। यस मैम, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है मैम, हम खुद ही सेल्फिश हो गए थे और हम भूल गए थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे निभाना हमारा फर्ज है। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम आज ही शादी करेंगे और हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएंगे। कहीं तुम्हारा छल तो नहीं है?
कैसे तो नहीं है तुम दोबारा इस बच्ची को किसी के घर के बाहर छोड़ दोगी? बस मैडम, और शर्मिंदा मत कीजिए हमें। ये कोई नाटक नहीं है, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है और वो एहसास आपने हमें दिलाया है। मैडम आप सच में हम पर भरोसा कर सकती हैं, हम बच्चे को पालेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। प्लीज मैडम हम पर यकीन कीजिए। बाबा जी का राज है, हा? जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया ले लिया। माँ आप इतना काय तिल मिला रही है, आपका पोता थोड़ी मांगा है। चल चीते खोलो इनको। हाँ ठीक। थैंक यू मैडम हमें माफ करने के लिए। चिकू, चिकू, ना 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 ना, वरना कंटा आप लगाएंगे। मेरे मुंह से ना फिर एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बात, मगर तुम सा ना देखा। चुप हो जाओ, चुप। जाओ आप लोग। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। हम अभी आते हैं। कुछ नहीं, हम खुशी के आंसू है। हम सोच रहे कि वो टंटा खत्म हुआ गया, वो कितना उसने हमें पता तंग करके रख दिया था। हम बौरा गए थे उसका सूसू पॉटी साफ करते करते, अब एकदम चैन की नींद सोएंगे, एकदम चादर तान के, कोई टेंशन नहीं है, अब वो गया। झूठ बोलना आता नहीं है तो काय के लिए बोलती है रे? मेरे को मालूम है तुमने ये सब जानबूझकर किया, जानबूझकर खुद को उस बच्चे से जोड़ा, उससे इतना प्यार किया ताकि उसके माँ बाप के अंदर का प्यार जगा सके। कमाल किया रे तू चटक जान ने, किसी और के अंदर दर्द का एहसास जगाने के लिए खुद को ही जख्मी कर दिया। तो जितनी सख्त दिखती है ना उतनी सख्त है नहीं। नहीं हम बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, पर इसी सख्त कड़क पुलिस वाले के लिए मुझ जैसी नकली पुलिस वाली की तरफ से ये तो बनता है। और सिर्फ मैं नहीं, क्या चल रहा है? माँ गई, भांग चुपा लो। आप कलर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, कलर भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और थोबड़ा भी हमारा होगा। चुप करो। अरे पुलिस थाने के सामने ये शोर शराबा चल रहा है तुम लोगों का, कुछ तो लिहाज करो थाने का। भागो यहाँ से, बिल्लू निवास में जाओ, और बाहर निकले ना तो फिर देखना। और तुम दोनों भागो यहाँ से, भागो। बहुत बढ़िया किया आपने मैडम सर, पता ही है लोग ऐसे नहीं जाते यहाँ से, है ना, है ना, है ना। माँ पे हमला, माँ पे हमला, बिल्लू पे हमला।
इधर आ जा। पक्का? हाँ पक्का। देखो ए होली, अरे हमारी होली आज नहीं होती, कल होती, हम कल होली खेलेंगे। अरे तुम असली पुलिस वाली ना, मैं थोड़ी है, मैं तो नॉर्मल जनता है, मैं तो खेलेगी। अरे रुक 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 जा रुक जा, नहीं तो। नहीं तो क्या रे माता रे? हाँ आइटम। हाँ नहीं नहीं, फिर भी हम कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। कर दे, तेरा मुल्कों की पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, तू ढूंढने की कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को भी लगेगी, तेरी बहू को भी लगेगी। अरे हमारी अम्मा, उनके तो पास भी मत जाना तुम। काहे के लिए? उनका मूड बहुत खराब है, देखो चेता रहे तुमको, अगर तुम गई और कुछ बवाल हो गया तो फिर देखना। अरे बवाल का ही तो सवाल है डार्लिंग, अभी देख उसका मूड कैसे ठीक करती है। अरे मत जा मत जा मत जा तुम। इधर छुप के बैठी है तू, किधर किधर ना? ए ये तो वो हसीन दिलरुबा का लॉकेट है ना, ऐसा क्या छुपाती रे मेरे से? किधर थी टटक चांदी, किधर किधर का करना है, क्या दिक्कत है तुम्हारा? मेरे को एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तो हंटर लेके पैदा हुई थी या AK-47? जब देखो मारने को तैयार। और वैसे भी ऐसा क्या छुपाती है रे, एक बार ढापा था ना मैंने वो पेन ड्राइव, फिर से ढाप सकती है। अच्छा ढाप के तो दिखाओ, तुम्हारा हाथ ना उखाड़ देंगे। ठीक है उखाड़ देना, पर उसके पहले हैप्पी होली। एक मिनट, हम वर्दी पे हैं, अभी रंग नहीं लगा सकते, होली होली सब बात हुई। अच्छा तो बस इतू सा शगुन का तुमको समझ में नहीं आता है क्या? तुमको बोला ना अभी हम वर्दी में हैं, हम रंग नहीं लगा सकते। करिश्मा सिंह, शगुन का रंग आपको लगाना होगा, एंड दैट्स एन ऑर्डर। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैडम सर बनने को बोला तो मैडम सर समझने लगी हो खुद को। निकलो यहाँ से, चलो चलो। मम्मी मम्मी कटो यहाँ से, निकलो, तुम्हारा काम खत्म हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना अपनी हमें। अरे क्या कहा था ना हमने, उन्हें रंग मत लगाओ, छेड़ो मत, मूड खराब है उनका, कभी तो किसी की बात सुना करो। तेरे को लगाओ माता रही बात। और आप क्यों इतना नाराज हो रही है, रंग ही तो लगाने की कोशिश कर रही थी बेचारी। देखिए पुष्पा जी, बात रंग का नहीं है, बात का है। इसको हम यहाँ लाए थे मैडम सर बना के, ताकि हम मैडम सर के कातिलों तक पहुँच सके, लेकिन पहुंचे अभी तक नहीं, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है ना, अब इसका काम खत्म हो चुका है, समझे हमारी बात को, और सबकी सीमा पार हो चुकी है, अब नहीं दिए जाते 2,000 रुपए। तुम सबसे पहले रुको, ये तुम पकड़ो। अरे ये पकड़ो। क्या? नहीं 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 चाहिए मेरे को, मैं मुफ्त में रह लेगी। 2,000 पकड़ो और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा चेहरा हम देखना नहीं चाहते, कि तुम्हारा चेहरा हम देखते हैं ना तो तुम्हें मैडम सर की याद आती है, जाओ तुम यहाँ से। देखिए आप शांत हो जाइए, शांत होके आराम से बात कीजिए। नहीं पुष्पा जी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया की इस धक्कापेल में, काम की जिम्मेदारियों में खुद को ऐसा खपा के रखा था जान मुझके, कि हमें बस मैडम सर का याद ना है, उनका वो चेहरा ना दिखे जो ऐसे जाते हुए हमें दिखा था, और हम कुछ नहीं कर पाए थे, उनको बचा नहीं पाए थे हम। लेकिन ऐसा कोई एक पल, एक क्षण, एक दिन नहीं गया कि जब हमें उनका याद ना आया। हर वक्त हमें उनका चेहरा याद आता है, और हर वक्त उनके चेहरे के साथ हमें यह याद आता है कि हम अभी तक मैडम सर के कातिलों तक पहुंच नहीं पाए, अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। जब भी आईने में खुद को देखते हैं ना, तो एक नाकामयाब करिश्मा सिंह नजर आती है, जो कुछ नहीं कर पाई अभी तक, ना जीते जी उनको बचा पाई, और ना उनके मरने के बाद उनके कातिलों तक पहुंच पाई। क्या कर रहे हैं हम, क्यों जिंदा है हम, मर जाना तो हमको चाहिए। और जब ये जब हमारे सामने आती है ना, तुम्हारी हार का बोझ और बढ़ जाता है। इसको बोलिए ये यहां से चली जाए। बस बहुत हो गया करिश्मा सिंह, अब हम आपको इस तरह टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकते, अब हम अनुभव का इंतजार नहीं करेंगे, आपको अभी इस वक्त सब कुछ सच सच बता देंगे। करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक मिनट। जैन भैया। जैन बहना, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वापस आ गए हैं और आपसे मिलकर वो पेन ड्राइव लेना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप वापस आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है, और वो पेन ड्राइव हम खुद आपको देना चाहते हैं, अब एक सिर्फ आप ही हैं जो हमें मैडम सर के हथियारों तक पहुंचा सकते हैं। अवश्य आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी,
हम भी जल्द से जल्द हसीना जी के हथियारों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आपसे मिलकर उस पेन ड्राइव के जरिए उन हथियारों को पकड़ना चाहते हैं। जी भैया, कल ही आपको वो पेन ड्राइव दे रहे थे, ठीक है? कल कल नहीं बहना, आज आज अभी अभी हम आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, तो त्योहार का समय ना, थोड़ा काम का लोड ज्यादा है, हम एक राउंड मारकर आते हैं, 2 घंटा में वापस आके आपको थाने में ही मिलते हैं, ठीक है भैया? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज वो पेन ड्राइव मेरे हाथ में होगी और तुम्हारे हाथ में होगी हसीना मलिक की लाश, लेकिन इस बार अधमरी हसीना मलिक नहीं, पूरी तरह मर चुकी हसीना मलिक। हाँ, तुम क्या कह रही थी तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप राउंड मार के आइए, बाद में बात करेंगे। सॉरी। ठीक है। और तुम? नहीं, तुम हमें रंग मत लगाना, हमें लल्ला के पप्पा की याद आती है बहुत। नहीं नहीं, आप नहीं लगाना बिल्कुल भी। चलो, अच्छा हुआ अनुभव वापस आ गए। अब पेन ड्राइव बख्शी सर के पास पहुंच जाने के बाद ही हम करिश्मा सिंह को अपनी सच्चाई बताएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आपका और हमें बेसब्री से इंतजार था। आपको आपकी पेन ड्राइव मिल जाएगी और हमें हमारे पैसे। उस पेन ड्राइव में जिन 5 अंडरकवर एजेंट्स के नाम और डिटेल्स हैं, उन्हें मारकर आप हमेशा अपने सर पर मंडराते खतरे को खत्म करेंगे और हम 500 करोड़ रुपया लेकर ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर जाकर ऐश की जिंदगी जिएंगे। वैसे तैयार रखना, हम जल्दी मिलेंगे। हसीना जी, आप यहाँ? आप वापस आ गए हैं, ये बताने की जहमत आपने तो उठाई नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही आकर आपको सरप्राइज दे दें। दरअसल हम खुद आपके सामने आकर सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन आपके सरप्राइज ने तो हमारे सरप्राइज की हवा निकाल दी। सच बात तो ये है अनुभव कि हम आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। अब प्लीज ये ड्रामा खत्म करते हैं, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हसीना मलिक हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अपनों से हमेशा झूठ बोलना, ये उर्मिला के भेस में खुद को बनाए रखना, अब हमसे और नहीं होता, हमें घुटन होने लगी है। हसीना जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं। गुड, हमें खुशी है इस बात की, और खुशी इस बात की भी है कि अब फाइनली हमें मौका मिल रहा है अपने इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने का। शायद वो प्यार जो शायद हम दोनों के बीच खो चुका है, उसे रिवाइव करने का। अब हम आपसे बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहते। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ हाँ सिन्हा जी, हम ठीक है। अनुभव, अब हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। हम भी आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं हसीना जी, आप नहीं जानती हैं कि इस पल का इंतजार हम कब से कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वो पेन ड्राइव हम बख्शी सर को सौंप देंगे और उनसे कहेंगे कि सर, अब बहुत हुआ, हमें अब शादी करनी है, परिवार बसाना है और किए वादे पूरे करने हैं। वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। साजन का शक कहीं सही तो नहीं था, अनुभव ही तो नहीं सबके पीछे। क्या?
क्या हुआ हसीना जी, कहाँ खो गई आप? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच हमारी आंखों के सामने था और हम देख नहीं पाए। मतलब? मतलब आप हमें सगाई से छोड़कर क्या चले गए? हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया आपके बारे में, लेकिन अब हमें आपका प्यार दिखाई दे रहा है और अब सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। बस डर इस बात का है कि अब कोई नया तूफान ना आ जाए। नहीं आएगा हसीना जी, कोई तूफान नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। बस एक बार वो पेन ड्राइव अपनी सही जगह पहुंच जाए तो हमारी ये कहानी भी अपने सही अंजाम तक पहुंची जाएगी। बिल्कुल, हम चलें। See you soon. कुछ तो गड़बड़ है, हमें अनुभव पर नजर रखनी होगी।